जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। मेरा बेटा बहुत दिनों से बहुत बीमार था, उसको रोज 105 104 बुखार होता था। कितने डॉक्टरों को दिखाया, कोई कहता कि वो है टाइफाइड है, कोई कहता वायरल है, टेस्ट भी कराए बहुत, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर रहे हो आप, यहाँ बेटा ठीक भी नहीं हो रहा। गुरु जी आपने ही करना जो करना है, गुरु जी मंत्र जाप करी जा रही, बोली जा रही। मैं तो यहाँ मुल्तानी मल्ले में है बालाजी डॉक्टर, उनके पास लेके गए, उन्होंने टेस्ट लिए सारे, तो दो दिन हो गए बुखार उतरा ही नहीं, वही खांसी इतनी ज़्यादा, बुखार बहुत ज़्यादा, उतरे ही ना। मैंने गुरु जी आपने करना है, आपने करना सब ठीक, आपने करना, यही बोली जा रही थी बस गुरु जी को। तो बेटे ने भी स्वरूप हाथ में रखा हुआ था गुरु जी के, उसने भी गुरु जी के स्वरूप को छोड़ा ही नहीं। तो उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें पानी आया, कह रहा आंटी आपके बेटे के फेफड़ों में पानी है। तो मैं तो बहुत घबरा गई, मैं तो पागल सी होगी। मैंने कहा गुरु जी ये क्या किया आपने, मैंने तो गुरु जी का स्वरूप हाथ में लिया और जो लगी बोलने, गुरु जी आपने मेरे बेटे को बीमार किया, आपने ठीक करना है। गुरु जी मेरे को तो मेरा बेटा ठीक चाहिए, बहुत बोली जा रही। मेरी सिस्टर थी वो कह रही है तो पागल हो गई है, ये तो पहले क्या क्या बोलने जा रही है, इसको तो पता ही नहीं है, तो गुरु जी को उसके बातें करी जा रही है पागलों जैसे। मैंने कहा पागल जो मर्जी हो, बस मेरे को गुरु जी के डॉक्टर को, डॉक्टर हैं उन्होंने करना है जो करना है। तो वो डॉक्टर कहते इसको ना कहीं और ले दो बेटे को। तो हमने रोहिणी लेके गए उसको, टेस्ट उस वहाँ पे लेके गए बेटे को, वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने उसको फटाफट आईसीयू में ले लिया। तो उन्होंने कहते आंटी इसको टाइफाइड नहीं है, इसको निमोनिया बिगड़ा हुआ इसका, तो इसके फेफड़े में पानी है। मैंने कहा गुरु जी आप डॉक्टर के डॉक्टर हो, गुरु जी आपने ये सब करना है। देखो मैं इन डॉक्टरों कुछ नहीं मानती, जो टेस्ट कराने आपने करने हैं, आपने आगे सब करना है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं ऐसे ही बोली जा रही गुरु जी को, मंत्र जाप करी जा रही। मैंने वर्षा आंटी को फोन किया, वर्षा आंटी ऐसे ऐसे मेरे बेटे की तबीयत खराब है, बहुत दिक्कत है मेरे बेटे को, आप गुरु जी से ब्लेस करो, संदर को सारी को ब्लेसिंग बेटे को दे। तो वर्षा आंटी बोली मैं तो गुरु जी के स्वरूप के आगे ही बैठी हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, कह रहे मैंने आपके गुरु जी को बोल दिया आपके बेटे कुछ नहीं होता। वर्षा आंटी ने बहुत कहा मेरे को, आंटी चिंता मत करो आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होके घर आएगा आपका बेटा। मैंने कहा ठीक है आप ग्रुप में डाल दो सब में, ब्लेसिंग डाल दो ग्रुप में, इसके बेटे को ब्लेसिंग मिले गुरु जी की। तो जैसे ही वो आयुष्य मिलेंगे, मैंने स्वरूप था मेरे पास गुरु जी का ब्रेसलेट, मैंने उसके पिल्लर में डाल दिया वो। मैंने कहा गुरु जी आप जानो ये जाने हैं। तो मैंने उनको जो अंदर थे ना वो डॉक्टर, मैंने उनको बोला कि आप ना पिल्लों को चेंज मत करना क्योंकि इसमें गुरु जी का स्वरूप है। तो उन्होंने कहा आंटी कोई बात नहीं आप इनमें डाल दो, मैं हम पिल्लो चेंज नहीं करेंगे। तो मैंने बेटे को बोल दिया गुरु जी तेरे साथ है, मुझे घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे को विश्वास है गुरु जी को सब ठीक करेंगे। उन्होंने एक रात रखा आईसीयू में, तो बुखार हुआ नहीं, उसको बुखार हुआ ही नहीं बेटे को, ना बुखार हुआ ना खांसी हुई बेटे को। तो एक रात में देखो इतना फल गुरु जी ने किया उसको, वो आईसीयू से बाहर आ गया, अगले दिन ही बाहर आ गया आईसीयू से। तो जब बाहर आया मैंने कहा देखा गुरु जी ने देखो कैसे ठीक किया। फिर उन डॉक्टर ने कहा इसको टीवी है, इसको ये है, इसके टेस्ट करवाओ ये है। तो मैंने सारे टेस्ट हुए उसके, सब टेस्ट हुए, तो गुरु जी कृपा से सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। उस बेटे ने 5 दिन गुरु जी के स्वरूप को अपने हाथ में रखा हुआ, उसने छोड़ा ही नहीं स्वरूप गुरु जी का, 5 दिन पूरे हो गए। तो कहते हैं कि मैं मम्मी मैं ये स्वरूप छोड़ूंगा, मैं छोड़ना ही मत, गुरु जी ने सब तुम ब्लेस किया है, ये छोड़ना जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, वो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं सब वही कर रहे हैं, उनके बगैर तो कोई ये डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। देखो 3 दिन बाद रिपोर्टें आई उसकी, सब रिपोर्टें नॉर्मल ओके। वो कह रही इसको निमोनिया था, वो निमोनिया से बिगड़ गया था, एंटी शुरुआत थी है, पानी के दवाइयाँ ठीक हो जाता लेकिन बुखार नहीं उतरता, इसलिए हमने ऐसा किया। पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई है गुरु जी की। तो मैं अगर एक दिन में बैठती थी गुरु जी का स्वरूप लेके मोबाइल के आगे, मैंने स्टॉप करा हुआ था मोबाइल को, मैंने कहा मंत्र जाप करी जा रही थी, करी जा रही थी। तो गुरु जी का स्वरूप में ना छोटी छोटी फेस पे बूंदे आ गई, वो फीसिया की होगी। मैंने कहा गुरु जी ये क्या हो गया आपके फेस पे, मैंने कहा भाई ये फीसिया ये बूंदे क्या होगी गुरु जी फेस पे। जब देखा तो वो जल वर्षा थी गुरु जी की। तो गुरु जी ने दिखा दिया कि मैंने तेरे बेटे के कष्ट सारे ले लिए अपने ऊपर, हाँ तू चिंता मत कर आंटी आप तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद देखा मैंने वो बूंदे अपने आप ही गायब होगी गुरु जी के फेस से। तो मैंने कहा ये तो कितना चमत्कार दिखाया गुरु जी ने। उसका डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा नॉर्मल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको 4 दिन तक छुट्टी मिल गई बेटे को। इतनी कृपा गुरु जी की हुई, इतनी कृपा हुई, मैं कहती गुरु जी के हम देनदार हैं गुरु जी के,
गुरु जी साक्षात भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाशिव है गुरु जी, चारों तीर्थ धाम गुरु जी हैं, सब गुरु जी हैं, मेरा विश्वास आत्मा गुरु जी है, गुरु जी आपको खोड़ कर शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना, वर्षा एल पी जी का शुक्राना, गुरु जी कृपा से और क्या सबका शुक्राना है, ब्लैसिंग गुरु जी ने वर्षा प्यारी संगत गुरु जी की है, उन्हीं के माने बस दिया गुरु जी, उन्हीं की ब्लैसिंग लगी है बेटे को, आज बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी।